नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस का घमासान तेज हो गया है। रविवार को जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने ईवीएम में खराबी के कांग्रेस के आरोपों को आड़े हाथों लिया। मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जब कांग्रेस पंजाब में जीतती है तो ईवीएम खराब नहीं होती है, जब कांतिलाल भूरिया जीतते हैं तो भी ईवीएम खराब नहीं होती है, लेकिन जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी नजर आने लगती है। देखिए नरोत्तम मिश्र का यह आक्रामक अंदाज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती तो कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल कहने लगे कि ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी कर दी इसलिए जीत गए। अगर झाबुआ में उनका नेता कांतिलाल भूरिया जीत जाता है तो वहां मशीन सही है, शिवराज जी की उल्टी गिनती चालू हो गई। और शहडोल में हार जाते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन ने गड़बड़ी कर दी या मशीनों में गड़बड़ी। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी का, अजय सुमेव का घोड़ा, वो सेवा का घोड़ा, वो गरीब का घोड़ा, वो गांव का घोड़ा, वो किसान का घोड़ा, नौजवान का घोड़ा, वो महिलाओं का घोड़ा चारों ओर दिखता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग अभी अपनी से अपनी हार माने हुए हैं। हमको गांव गांव में ये बात बतानी पड़ेगी कि ये जो भ्रम फैलाने वाले वोकल लोग हैं, इनसे सावधान रहना होगा और आपको भी गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा।